नाला निर्माण पर दुकानदारों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि पुराने नाले की मरम्मत व सफाई न करवाकर नए नाले का निर्माण दुकानों के आगे करवाया जा रहा है, जिससे और भी तमाम दिक्कतें बढ़ जाएंगी। शहर के एनसीसी रोड के दुकानदारों ने मामले को लेकर नगर पालिका परिषद सीतापुर के ईओ वैभव त्रिपाठी को समस्या से अवगत कराया है। दुकानदारों के मुताबिक एनसीसी रोड पर जल निकासी के लिए पहले से ही नाला बना है, लेकिन इस नाले की कभी सफाई नहीं कराई जाती। यह नाला यहाँ जो दुकानें संचालित हैं उनके पीछे बना हुआ है। इधर नगर पालिका की तरफ से एक नए नाले का निर्माण दुकानों के सामने कराया जा रहा है। वैसे तो इस नाले का निर्माण त्रिकोणनाथ मंदिर तक किया जाना था, परंतु वहां तक निर्माण न कराकर बीच में ही नए नाले को पुराने नाले से जोड़ दिया गया। दिक्कत यह है कि पुराना नाला ऊंचा है, जबकि नए नाले की गहराई अधिक रखी गई है। इन हालातों में जलभराव की समस्या और भी गहरा जाएगी। स्थानीय नागरिक डॉक्टर विनोद त्रिपाठी, विवेक मिश्र, पूरनलाल, बबलू, कमलेश, अरुण वर्मा, अतुल, रवि कुमार, नीरज त्रिपाठी, राजनारायण टंडन आदि का कहना है कि समस्या की तरफ नगर पालिका प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। समस्या गिनाते हुए डॉक्टर विनोद त्रिपाठी व राजनारायण टंडन ने आई इंडिया को बताया। पावस नाला जो अभी हम लोगों की दुकानों के सामने से बनाया गया है, ये हम लोगों के हिसाब से पूर्णतया गलत है, क्योंकि पहले से ऑलरेडी पीछे एक नाला चल रहा है जिसकी सफाई करा के उसे सरलतापूर्वक जो है चालू किया जा सकता था। उससे भी बड़ी बात यह है कि इस नाले का आधा निर्माण करने के बाद इसको पुनः इसका रास्ता बदल के पुराने नाले में जोड़ दिया गया है, जिसपे ऐसा लगता है कि जो पुराना नाला है वो ऊंचा और ये नया नाला जो बन रहा है ये गहरा है, तो फिर इसमें हमेशा वाटर लॉगिंग रहेगी, पानी यहीं पे भरा रहेगा, जिससे कि आगे और बीमारियां फैलने का और जनता को परेशानी हो सकती है। इसको लेकर के आप लोगों ने एप्लीकेशन भी दी थी, तो वहाँ से कौन सा आवेदन दिया गया था, क्या लगा? वहाँ से ये हुआ था कि इसको देखा जाएगा और जिस प्रकार से ये कार्य हो रहा है उस प्रकार से होगा। बस सुविधा इतनी दे दी गई थी, पहले बिल्कुल शटर से लगा के नाले बनाए जा रहे थे, परंतु फिर ये थोड़ा सा गैप करके आगे से बढ़ाया गया। लेकिन सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन इस बात पे है कि इसका जो अगर इनको बनाना ही था तो जो पहले इन्होंने मूल रूप से प्लान किया था उसी रास्ते पे बनना चाहिए था, इसको बीच से उन्होंने डाइवर्ट करके फिर से उसी पुराने नाले में जोड़ दिया है, जिसमें कि उनका कहना था कि समस्या हम कैसे इसको साफ करेंगे। अब कैसे उसको साफ किया जाएगा, क्या इसका स्पष्टीकरण प्रशासन या कोई और अन्य व्यक्ति देना चाहेगा? शायद ये हमसे बेहतर आप लोग जनप्रतिनिधि या प्रेस के माध्यम से आप खुद सामने देख रहे हैं इससे क्या परेशानी हो सकती है, हमसे बेहतर आप बता सकते हैं। मैं डॉक्टर विनोद त्रिपाठी। ये बताइए, आप ये जो आपकी दुकान के सामने नाला खोदा गया है, ये कितना समय से खोदा हुआ है और क्या दिक्कतें होती हैं? ये अभी 1.5 महीने से खोदा गया है, पीछे नाले की सफाई नहीं होती है, इसलिए आगे नया नाला का निर्माण करा दिया गया है। और अगर पीछे नाले की सफाई हो जाती तो ये दिक्कत नहीं आती। और ये नाला गलत खोद करके बनाया गया है पूरी तरीके से, अवैध रूप से, जिसकी एप्लीकेशन ईओ साहब को दी गई थी। सारे दुकानदारों ने मिल करके वहाँ पे जा करके नगर पालिका के ईओ को एप्लीकेशन दिया था और उनसे निवेदन भी किया था कि इस नाले को रोक दिया जाए। यहाँ पे सभासद ने इस नाले को बनाने के लिए प्रपोज किया, इंजीनियर साहब ने यहाँ बिना आए उसका जो एस्टीमेट दे दिया, नगर पालिका के ईओ ने इसको आगे बढ़ा दिया, फॉरवर्ड कर दिया और डीएम साहब के यहाँ पे वो पास हो गया। जबकि नाले का निर्माण यहाँ से लगा करके त्रिकोणनाथ मंदिर तक का था, मगर उसको बीच में ही रुकवा करके और मोड़ दिया गया। ये नाला दोबारा पटवाया जाए, हमारा ये निवेदन है कि इस नाले को पटवा करके और पीछे के नाले को सफाई कराया जाए। आपने जब एप्लीकेशन दी थी तो वहाँ से क्या बताया गया था आपसे? उन्होंने बताया कि सरकारी कामों में आप अवैध रूप से उसमें हस्तक्षेप मत करिए, जो सरकारी काम है वो हो के रहेगा, उसमें कोई भी रुकावट नहीं हो सकती, आपके रोकने से नहीं रुकेगा। आपका नाम? राजनारायण टंडन। आपका